भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिर मुश्किलों में हैं। इस बार एक शख्स ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव को ही चुनौती दे डाली है और उनका चुनाव निरस्त करने की मांग की है। दरअसल राजेश दीक्षित नाम के शख्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया है। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में उनके जो भाषण थे, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने में अपना हिस्सेदारी होना बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं तो धर्म के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, जिसमें उन्होंने हेमंत करकरे के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को और दूसरे नेताओं को कहा कि ये जो है हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताते हैं और हिंदू धर्म के विरोध दुश्मन हैं, तो इस तरह का जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और जिसके कारण चुनाव आयोग ने उनको 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोका भी था, प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन उस प्रतिबंध के समय भी उन्होंने मंदिरों में जाके चुनाव प्रचार किया, तो इसलिए धारा 123 जनप्रतिनिधित्व कानून में इस तरह का धार्मिक या जातीय आधार पर वोट मांगना या भावनाएँ भड़का के वोट मांगना, ये भ्रष्ट आचरण के श्रेणी में रखा गया है और ये चुनाव निरस्त करने के लिए एक पर्याप्त आधार माना गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत भी हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करना कैंडिडेट के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा जो है वो कानून का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का उल्लंघन है, और अगर कोई कैंडिडेट इस तरह से करता है या उसका कोई एजेंट करता है तो चुनाव जो है उसका निरस्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें, राजेश दीक्षित पेशे से पत्रकार हैं और उनका साध्वी पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की भावनाएं आहत की और उसी के नाम पर लोगों से वोट मांगे। उनकी इस याचिका पर अब प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ना तो तय है। फिलहाल देखना ये होगा कि साध्वी प्रज्ञा हाईकोर्ट को कब तक जवाब देती है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।